फ्रेंड्स, बहुत ही नई वीडियो में इसके आपके बुद्धिस प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड ये बता दें कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम तब कनेक्ट नहीं होता आपका ब्लूटूथ, जैसे कि आप जिसमें कनेक्ट कर रहे हो हेडफोन या ईयरफोन कुछ भी आप जिसमें भी कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ईयरफोन में हेडफोन में कनेक्ट कर रहे हो, तो हेडफोन का जो जिसमें आप कनेक्ट कर रहे होते हैं उसका फुल चार्ज होना चाहिए। और इसके बाद उसका जिसमें हम कनेक्ट करते हैं हेडफोन में, जैसे मैं कनेक्ट करते हैं उसका ब्लूटूथ ऑन करना होता है, वो फुल चार्ज भी होना चाहिए, फ़ोन का फुल चार्ज होना चाहिए, इसमें इंटरनेट उपलब्ध होनी चाहिए एंड फिर जाके आपका जो है कनेक्ट होता है। जब यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करने का फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन होता है तब आपका कनेक्ट होता है, वैसे नहीं एंड इसी तरीके से करेंगे। बट अगर नहीं होता है इस तरीके से भी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद आपको लास्ट में सिस्टम का ऑप्शन भी क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको एडवांस का ऑप्शन भी क्लिक करना है और आपको यहाँ दिख जाता है रीसेट ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर देंगे। रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक कर देंगे। रीसेट सेटिंग भी क्लिक कर देंगे, फिर से रीसेट कर देंगे। इससे आपका मतलब हो गया यानी कि नेटवर्क रीसेट हो चुका है। नेटवर्क को रीसेट करते जो भी होता है ब्लूटूथ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसमें ये होगा कि अगर आप ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेटवर्क को रीसेट कर रहे हैं तो वाईफाई कनेक्टेड डिसकनेक्ट हो जाता है, बट दोबारा कनेक्ट करते सही चलता है। एंड अगर वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट करें तो ब्लूटूथ कनेक्टेड डिसकनेक्ट हो जाता है, इसमें यही होता है कुछ नहीं। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।